चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कब लैंड हुआ? जुलाई में ही क्यों लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन? चंद्रयान 3 मिशन में महिलाओं का योगदान क्या है? जानेंगे चंद्रयान 3 के बारे में 10 बड़ी बातें। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को LVM3M4 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है। पूरी दुनिया की निगाहें भारत के इस चंद्रयान मिशन पर है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कब लैंड हुआ? चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा। भारत अपने चंद्रयान 3 मिशन में सफल होने के साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही एक फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान 2 भारत का एक आंशिक रूप से असफल मिशन था, जिसके बाद इसरो चंद्रयान 3 की तैयारी में जुट गया था। चंद्रयान 3 मिशन की थीम क्या है? चंद्रयान 3 मिशन की थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी चंद्रमा का विज्ञान। जुलाई में ही क्यों लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन? जुलाई महीने में ही प्रक्षेपण का कारण ठीक चंद्रयान 2 मिशन के जैसा ही है, जिसे 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल साल में ये वो समय होता है जब पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुए हैं? इसरो ने सबसे पहले साल 2008 में चंद्रयान 1, लिफ्ट ऑफ साल 2019 में चंद्रयान 2 और अब साल 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर भी थे और इस बार चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर दोनों हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का नाम कैसे पड़ा? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है, जो चंद्रयान 2 के समान ही है। विक्रम लैंडर का नाम मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के नाम पर रखा गया है। विक्रम अम्बालाल साराभाई भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह माना जाता है, जबकि प्रज्ञान रोवर का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ज्ञानी। चंद्रयान 3 मिशन का बजट कितना है? चंद्रयान 3 मिशन का बजट 615 करोड़ रुपए है, जो भारतीय मूवी RRR के बजट 600 करोड़ रुपए और 2.0 मूवी के बजट 575 करोड़ रुपए के लगभग बराबर है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रयान 3 मिशन का सबसे पहला उद्देश्य चांद के दक्षिणी हिस्से पर सफलतापूर्वक लैंड करना था। इसके बाद विक्रम नामक लैंडर में से प्रज्ञान नामक रोवर निकला। प्रज्ञान रोवर इसकी खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। साथ ही चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता करेगा। इस खोज में खास बात ये होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद पर कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? इस मिशन में लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम था। साल 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में बदलाव किया गया है। सेंसर ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी हुई थी। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के करीब 40 दिन बाद 23 अगस्त को लैंडर और रोवर चंद्रमा पर उतरे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन में महिलाओं का योगदान क्या है? इस मिशन को रॉकेट वुमन के नाम से मशहूर स्पेस साइंटिस्ट ऋतु करीधाल श्रीवास्तव फ्रंट से लीड कर रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि
लगभग 54 महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर है जो चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रही है। वे अलग अलग केंद्रों पर काम करने वाले विभिन्न प्रणालियों के सहयोगी और उप परियोजना निदेशक और परियोजना प्रबंधक हैं।